हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मोबिलून। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोबिलून के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही कमाल की और बहुत ही गजब की एंड्रॉयड कस्टमाइज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और खास फरमाइश के मुताबिक। तो फ्रेंड्स, हम आपको एंड्रॉयड से स्विच करने वाले हैं iOS के अंदर। दोस्तों, काफी डिमांड आ रही थी और काफी हमारी पुरानी वीडियोस के ऊपर कमेंट आ रहे थे कि यार मिस्टर मोबिलून, जरा हमें iPhone 14 में कन्वर्ट कर दो हमारे एंड्रॉयड फोन को। अगर आपका फोन कितना भी पुराना है और आप कन्वर्ट करना चाहते हैं iPhone 14 के अंदर, उसे बनाना चाहते हैं iPhone 14, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो ये फोन है, इसे हमने पूरा का पूरा एंड्रॉयड को कस्टमाइज करके iPhone 14 को कंप्लीट इंस्टॉल कर चुके हैं। तो बहुत ही कमाल का लग रहा है ना iPhone 14। तो कुछ इस तरीके से आप भी कर पाएंगे आपके फोन के अंदर iPhone 14 को इंस्टॉल। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को मिस्टर मोबिलून के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको 4 एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना होगा आपके फ़ोन के अंदर। उन सभी को कहाँ से डाउनलोड करना है मैंने इस वीडियो के एंड में बताया, तो इस वीडियो के एंड के साथ बने रहिए। कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, तो सबसे पहला स्टेप है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं iOS लॉन्चर। तो सिंपल सा इस लॉन्चर को आपको इंस्टॉल करना है आपके फ़ोन के अंदर और सिंपल सा जो भी परमिशन मांगे उसे आपको सिंपल सा अलाउ करना है। यहाँ पर आप सभी को अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां आपको दिख रहा होगा मैक डिफॉल्ट लॉन्चर, इस पे क्लिक करना होगा और ओके पे क्लिक करना होगा। अब यहां पे जो सिस्टम लॉन्चर है इसे आपको हटाकर iOS लॉन्चर पे क्लिक करना, ये गॉट इट पे क्लिक करना, ये आपका iOS हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया है, तो सिंपल सा इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इसको रख देंगे। अब अपने यहाँ पे सबसे पहले कैमरा हमें यूज़ करना है, तो यहाँ कैमरा लगाएंगे और यहाँ पे ये कंपास, इस कंपास को यहाँ पे लगा देंगे। अब लग रहा है ना कि भैया यार ये आईफोन वाला नीचे की तरफ आइकन तो सभी आईफोन के आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे वॉलपेपर काफ़ी हमारा बेकार सा लग रहा। अब iPhone 14 वाला हमें डाउनलोड करना है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्रोम में जाएंगे। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ सर्च करना है iPhone 14 वॉलपेपर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। सिंपल सा इस तरीके से करके डाउनलोड करने के बाद, तो सबसे पहले हम अपने गैलरी के अंदर चले जाते हैं। गैलरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम इस पे जाएंगे और सेट है वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे। सेट है वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई और सेट है बॉथ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए लुक आ गया ना आईफोन का आखिर, ठीक है। ये देखिए कितना कमाल का लग रहा है। अभी भी यहाँ पे आपको आपके यहाँ नोटिफिकेशन और ये कंट्रोल पैनल, ठीक है, ये आपको एंड्रॉयड वाला ही दिख रहा है। अब आईफोन वाला हम इंस्टॉल करेंगे, तो अब हमारी सेकंड एप्लीकेशन है कंट्रोल सेंटर। इसे भी कहाँ से डाउनलोड करना मैं आपको एंड में बताऊंगा। सिंपल से हमें इसे ओपन करना है, यहाँ से इसे क्लोज करना, ये जो जो भी परमिशन मांगे वो उसे हमें अलाउ करना है, ठीक है। यहाँ सेकंड पे आ गए, अब ये यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे गए, यहाँ अलाउ परमिशन पे करा और यहाँ पे ये कुछ सेकंड मांगता है, तो इसे कुछ सेकंड दे के परमिशन को अलाउ कर दीजिए। ये कंट्रोल पैनल सही से एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो अब यहाँ पे डाउनलोड में आकर कंट्रोल सेंटर में आकर यहाँ पे इसे ओके कर देंगे और परमिशन को अलाउ दे देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आना होगा, बैक आना होगा। अब ये इंस्टॉल हो चुका है कंट्रोल सेंटर। सिंपल से या अनेबल कंट्रोल सेंटर पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और बैक आएंगे, ये रेटिंग को क्लोज कर देना, ये आपका लग चुका है। अब यहाँ से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपका कंट्रोल पैनल लग चुका है। अब पुराना कैसा था, पुराना ये वाला था। अब नया कैसा है, तो नया यहाँ पे आप जैसे ही इस पर टैप करेंगे तो नया कंट्रोल पैनल आपका खुल जाएगा। देखें नोटिफिकेशन और डायलर आपका वही पुराना है, ठीक है। डायलर और नोटिफिकेशन और आपकी लॉक होम स्क्रीन वही पुरानी है, तो अब हम इसे भी चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन का नाम है आई लॉक।
आई लॉक को आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इसे भी जो भी ये परमिशन मांगता है वो आपको परमिशन देनी होगी। जैसे ही आप परमिशन सभी को अलाउ कर देंगे और ये भी आपकी वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ओके करने के बाद बैक आइए आप, और बैक आइए फिर यहाँ पे ये भी ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे वॉलपेपर पे जाके अलाउ करिए, अलाउ करिए, अलाउ पे करने के बाद अब यहाँ पे आपको लॉक लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आईफोन का वॉलपेपर, तो सिंपल सा आप उस पर क्लिक करिए और ऐड को क्लोज करिए। यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे चाहते हो आप, इसे चाहते हो और यहाँ पे ये चाहते हो, तो इसे ऑन करके डन कर दीजिए। सिंपल सा इतना सा करिए। अब यहाँ पे होल्ड करिए और यहाँ पे यूज़ एज लॉक स्क्रीन पे क्लिक करिए, तो ये आपकी लॉक स्क्रीन लग चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अनेबल करेंगे तभी आपका लॉक स्क्रीन लगेगा। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट लॉक है उसे यहाँ पे डिसेबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पासवर्ड पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये लॉक है आईफोन वाला, इसे हम सेट कर लेते हैं 1234 1234 डाल के। ये हमारा लॉक सेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक आएंगे, अब लॉक लगाएंगे। ये लॉक देखें, ये तो आ गया आईफोन जैसा ही। अब इसे ओपन करेंगे, यह है नोटिफिकेशन का जो आपके लॉक पर नोटिफिकेशन दिखाएगा। अब हम ऊपर करेंगे तो ये आ चुका है लॉक स्क्रीन। अब यहाँ पे आपको है ना नोटिफिकेशन का भी ऑन करना होगा। नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन का ऑन हो चुका है। जो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे वो यहाँ पे शो होंगे आपको नोटिफिकेशन के आईफोन की ही तरह। और इस तरफ से करेंगे आप तो इधर से आपका ये कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही लॉक लगाते हैं, लॉक लगाने के बाद आपका आईफोन वाला लॉक स्क्रीन आ चुका है। अब हमारा आईफोन 14 पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस एक और चीज़ की कमी है, यहाँ ऊपर की तरफ डायनामिक नोटिफिकेशन बार जो कि आपके कैमरे के यहाँ पे आपको शो होती है वो लगानी है। तो फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करना होगा डायनामिक स्पॉट। इसे आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद इसे आपको सिंपल सा ओपन करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन की मदद से आप आईफोन 14 की तरह डायनामिक नॉच नोटिफिकेशन पैनल लगा सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे डन करिए। जो भी परमिशन मांगता है तो सिंपल सा यहाँ पे आप परमिशन को अलाउ करना होगा। बैक आइए, बैक आने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन एक्सेस मांगता है, तो यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन का अलाउ करिए और अलाउ करने के बाद इस परमिशन को भी अलाउ करिए। अलाउ करने के बाद बैक आइए, बैक आने के बाद यहाँ पे जाइए, नेक्स्ट पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ डाउनलोड पे जाइए। डाउनलोड पे जाने के बाद डायनामिक पे जाइए, इसे अलाउ करिए, परमिशन को ओके कर दीजिए। बैक आइए और फिर नेक्स्ट करिए। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे आपको आना है और ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन शो कराना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्लिपकार्ट का, जीमेल का, और हमारे जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, इन पे पेमेंट हो, इंस्टाग्राम का, और आपकी बैंक का भी अगर आप चाहते हैं तो उन्हें भी आप नोटिफिकेशन में ऑन कर सकते हैं। आपका व्हाट्सअप हुआ, जैसे व्हाट्सअप को भी आप नोटिफिकेशन पे डालिए। यूट्यूब हुआ, तो इसे आप सेलेक्ट करके बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ बैक आइए। अब यहाँ पे जैसे ही आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब आपका कंप्लीट एंड्रॉयड कस्टमाइज हो चुका है आईफोन 14 के अंदर, जिसमें आपको नोटिफिकेशन बार भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल भी देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आईफोन वाला ही पूरा का पूरा आपका फ़ोन आईफोन बन चुका है, और अब बस इंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स इतनी कमाल की वीडियो के लिए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इतनी कमाल की वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मोबिलून को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट और नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। I'm going to go to the next one.